हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसानों की फसल खराब हो जाती है। ऐसे संकट के वक्त में किसानों के लिए केंद्र की एक योजना जीवनदायिनी साबित हो रही है। ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के किसान लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने जो ये योजना चलाई है बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फसल खराब होती है इसके लिए मुआवजा जल्दी हो जाता है, अच्छी चीज़ है जमींदार के लिए, टाइम पे मुआवजा मिल जाता है, फसल का नुकसान भरपाई भर जाती है, इससे बहुत अच्छी चीज़ है जमींदार के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के चेहरों पर रौनक लाने का काम किया है। प्रदेश के सिर्फ 9 जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर बीते साल बर्बाद हुई फसल के लिए 6956 किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2900 किसानों को 4.47 करोड़ रुपए की राशि बीमा कंपनियों की तरफ से दी गई। वहीं रबी फसल की अगर बात करें तो साल 2019 के मार्च महीने में जिले के 8768 किसानों ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए आवेदन किया, जिनमें से 3906 किसानों को 382 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा बाजरा, कपास और खराब हुई फसलों के लिए 6487 किसानों ने आवेदन किया। अभी भी जिले से 300 किसानों के आवेदन को सही मानते हुए राज्य सरकार को फाइल भेज दी गई है। जैसे ही राशि मुहैया होगी उसे किसानों को बीमा कंपनी वितरित कर देंगी। इसमें खरीफ और फसल और रबी फसलों के बीमा किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा से उसके सरकार की तरफ ना देखना पड़े, एक अपना एक कानूनन अधिकार के तौर पर उसको फसल की नुकसान की भरपाई हो सके। इसके लिए जैसे खरीफ के अंदर हमारे ज़िले के अंदर 6956 किसानों ने बीमा करवाया था, जिसके विपरीत किसानों को जो उनकी फसल में नुकसान हुआ लगभग 2900 किसानों को 2900 किसानों को 4.47 करोड़ रुपए का क्लेम की राशि उनको वितरित की गई। इस योजना को सिर्फ कृषि विभाग के अधिकारी धरती पुत्रों के लिए अच्छी नहीं मानते, बल्कि खुद अन्नदाता भी इस योजना के महत्व को समझते हैं। इसलिए तो किसान सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सरकार की जो फसल बीमा योजना है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इससे पहले किसानों को जो दूसरी सरकारें देती आई हैं वो बहुत छोटे चेक देते, भद्दा मजाक करते थे किसानों के साथ, जैसे 5-5 रुपए के चेक। लेकिन हमारी जो अब ये जो वर्तमान सरकार है ये ऐसा नहीं, क्योंकि ये अच्छा मुआवजा देती है और भविष्य में इस तरह की जो स्कीमें किसानों के लिए लाभकारी हैं और चलती रहनी चाहिए। योजनाएं आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, बशर्ते उसकी सही जानकारी लाभार्थी के पास हो। 9 जिले के हजारों किसान देश भर के किसानों के लिए उदाहरण हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सकारात्मकता के साथ अपना रहे हैं और अपने मुश्किल वक्त में योजना के तहत लाभ भी उठा रहे हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए नू से कासिम खान की रिपोर्ट।